17 जनवरी को भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की और इसी के साथ भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन इस मैच में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ हुई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह ये क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया है। लेकिन ये मैच अपने रिजल्ट से ज़्यादा इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ खेले गए तीसरे मैच में भी डबल सुपर ओवर के तहत मैच में जीत हासिल की। इसी के साथ टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 3-0 से मात दी और टी20 इंटरनेशनल मैच में अपना 5वां शतक जड़ने वाले रोहित प्लेयर ऑफ द मैच बने। पहले तो दोनों ही टीमों ने 212 रन बनाए, लेकिन फिर पहले सुपर ओवर खेला गया और उसमें भी टाई हो गया। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की।